नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है, और ये जो खेल पुरस्कार हैं ये 2023 के लिए हैं, लेकिन इनका जो वितरण होगा ये 2024 में जनवरी के महीने में होगा। और कौन करेगा, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रपति भवन में इसका वितरण किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम वो सारे प्रश्न इंक्लूड कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए, और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। तो दोस्तों, भारत का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता था। 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। तो ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आजकल जो नाम बदले जा रहे हैं तो एग्ज़ाम में पूछे भी जा रहे हैं कि कब बदले गए, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहते थे, इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1991 में। और पहले विजेता कौन थे, तो दोस्तों ये पहले विजेता थे विश्वनाथन आनंद, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी रहे। तो विश्वनाथन आनंद को 1991-92 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तब ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, को प्रदान किया गया था। एक बात और भी याद रखिएगा कि जो अर्जुन पुरस्कार हैं उनकी शुरुआत खेल रत्न पुरस्कार से बहुत पहले हो चुकी थी। तो 1961 में अर्जुन पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको बता दें कि फिलहाल राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कौन सा मंत्रालय करता है। देखो, घोषणा करता है युवा कार्य और खेल मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, लेकिन प्रदान करते हैं राष्ट्रपति। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि घोषणा एक मंत्रालय करता है, युवा कार्य और खेल मंत्रालय, जबकि इसको प्रदान करते हैं भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। तो हमारे जो वर्तमान में युवा कार्य और खेल मंत्री हैं उनका नाम क्या है, अनुराग सिंह ठाकुर है। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 ये प्रदान कब किए जाएंगे, तो 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा। कब, 9 जनवरी 2024 को। तो दोस्तों, आते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि संयुक्त रूप से, यानी कि 2023 का जो खेल रत्न पुरस्कार है वो संयुक्त रूप से गया है चिराग शेट्टी और सात्विक राज साई राज रैंकी रेड्डी को। सात्विक साई राज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को संयुक्त रूप से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। दोनों ही बैडमिंटन के जाने माने खिलाड़ी हैं, और हाल ही में उनका जो प्रदर्शन रहा है वो बहुत ही उत्कृष्ट रहा है। ध्यान रहे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें जो पुरस्कार राशि होती है वो 25 लाख रुपए होती है, साथ ही साथ एक पदक और एक सम्मान पत्र इसमें प्रदान किया जाता है। एक पॉइंट और भी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चिराग शेट्टी हैं, इनका पूरा नाम क्या है, तो चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, ये मुंबई से हैं, और सात्विक साईराज ये आंध्रा से हैं, ठीक है। तो 2022 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड गया था किसको गया था, तो इसके पहले यानी कि पिछले साल का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था वो गया था टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अचंता को, ये मैंने आपको पढ़ाया था। अब जानते हैं यहाँ पर हम कि चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने कौन कौन से कमाल दिखाए हैं। जैसे कि इन्होंने इंडोनेशिया ओपन 2023 में स्वर्ण पदक जीता, स्विस ओपन 2023 में भी स्वर्ण पदक जीता, कोरिया ओपन 2023 में भी गोल्ड मेडल, चीन मास्टर्स 2023 में सिल्वर, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल, राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे इसमें भी स्वर्ण पदक, एशियाई खेल 2022 जो कि कहां पर हुए थे, चीन के हांगझाऊ में, इसमें भी स्वर्ण पदक, और फ्रेंच ओपन 2022 इसमें भी पुरुष युगल में इस जोड़ी ने
गोल्ड मेडल जीता था। तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिए कि इन्हें यानी कि जो जोड़ी है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की, इनको 2020 के लिए अर्जुन पुरस्कार भी प्रदान किया गया था, जिसकी शुरुआत कब हुई थी 1961 में। तो अगर हम बात करें कि 2023 में अर्जुन पुरस्कारों से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, तो कुल 26 खिलाड़ी हैं जिनको 2023 के अंतर्गत अर्जुन पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अर्जुन पुरस्कारों में जो पुरस्कार राशि होती है वो 15 लाख रुपये होती है, साथ ही साथ अर्जुन की एक कांस की प्रतिमा और एक सम्मान पत्र प्रदान किया जाता है। तो खेल रत्न में 25 लाख रुपये और अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपये ये धनराशि दी जाती है। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो एकमात्र क्रिकेटर हैं उनका नाम है मोहम्मद शमी, याद रखिएगा। इसके अलावा जो बाकी के खिलाड़ी हैं, 26 खिलाड़ियों के नाम और वो किस खेल से जुड़े हुए हैं उनके बारे में आपको बता दें। ओजस प्रवीण देवताले तीरंदाजी, अदिति गोपीचंद स्वामी तीरंदाजी, श्री शंकर एथलेटिक्स, पारुल चौधरी एथलेटिक्स, मोहम्मद हुसामुद्दीन बॉक्सर, आर वैशाली शतरंज, मोहम्मद शमी क्रिकेट, अनुस अग्रवाल घुड़सवारी, दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी ड्रेसेज, दीक्षा डांगर गोल्फ, कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी, सुशीला चानू हॉकी, पवन कुमार कबड्डी, ऋतु नेगी कबड्डी, नसरीन खो खो, पिंकी लान बॉल्स, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर शूटिंग, ईसा सिंह शूटिंग, हरिंदर पाल सिंह स्क्वैश, अयहिका मुखर्जी टेबल टेनिस, सुनील कुमार को रेसलिंग के लिए, अंतिम पंघाल को रेसलिंग के लिए, रोशी बिना देवी को वुशू के लिए, इसी के साथ शीतल देवी को पैरा आर्चरी, अजय कुमार को ब्लाइंड क्रिकेट और प्राची यादव को पैरा कनोइंग के लिए। ध्यान दीजिएगा कि ब्लाइंड क्रिकेट के लिए अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया है, तो अजय कुमार को दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्राची यादव को पैरा कनोइंग के लिए। तो ये वो 26 खिलाड़ियों के नाम हैं जिनको 2023 का अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया। तो दोस्तों अब बात करेंगे द्रोणाचार्य अवार्ड 2023 के बारे में, जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होते हैं उसके अंतर्गत ये जो पुरस्कार है द्रोणाचार्य अवार्ड, ये जो कोच होते हैं प्रशिक्षक होते हैं उनको प्रदान किया जाता है। तो नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है 5 कोच को, इनके नाम है ललित कुमार जो कि कुश्ती के हैं, आर बी रमेश शतरंज, महावीर प्रसाद सैनी पैरा एथलेटिक्स, शिवेंद्र सिंह हॉकी, गणेश प्रभाकर देवरुखकर मलखंब। इसके अलावा द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में 3 पुरस्कार दिए गए हैं, जसकीरत सिंह रेवाल गोल्फ के लिए, भास्करन ई कबड्डी के लिए और जयंत कुमार पोसीवाल। यानी कि ऑल ओवर देखा जाए तो कुल 8 लोग हैं जो कि द्रोणाचार्य अवार्ड 2023 से सम्मानित किए गए हैं। इसमें नियमित श्रेणी में 5 प्रशिक्षक हैं और लाइफ टाइम श्रेणी में 3 प्रशिक्षक हैं। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 ये भी 3 लोगों को प्रदान किया गया है। पहला नाम आता है कविता सर्वराज जो कि कबड्डी से संबंधित हैं, मंजूषा कंवर बैडमिंटन और विनीत कुमार शर्मा हॉकी। ये 3 लोग ऐसे हैं जिनको ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 ये जो पुरस्कार होता है ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत जो विश्वविद्यालय होते हैं भारतीय स्तर के, तो उनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसमें समग्र विजेता बना है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो कि अमृतसर पंजाब में है, प्रथम रनरअप बना है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब और द्वितीय रनरअप बना है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो कि हरियाणा में स्थित है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेशन है बहुत ही शार्ट है, लेकिन इससे वो सारे बिंदु आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगे जो कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से पूछे जाएंगे। तो मैं अब आपसे एक निवेदन करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को एक बार आप लाइक कर दें, और जिस भी स्टडी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं वहाँ पर आप इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको इस PDF की लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने इस PDF को डाउनलोड करने का लिंक डाल दिया है। करंट अफेयर के लिए डेली अपडेट और साथ ही साथ करंट अफेयर की PDF के लिए आप हमारी वेबसाइट studywithgyanprakash.com पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।